जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पर रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा के करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है, कहीं कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो वो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है, मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू।